मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पुणे से एक खबर सामने आई है जिसमें कल आधी रात कालेवाड़ी थेर गांव इलाके में स्थित एक मस्जिद और मदरसे पर पिंपरी चिंचवाड़ महानगर निगम द्वारा कार्रवाई कर तोड़ दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ के कालेवाड़ी इलाके के पवार बस्ती में पिछले 25 साल से भी ज़्यादा समय से इस मस्जिद का निर्माण किया गया था, लेकिन बीते कुछ सालों पहले यहां दारुल उलूम जामिया इनामिया इस नाम से मदरसा यहां चलाया जा रहा था, जिसे लेकर कुछ हिंदू संगठनों ने पिंपरी चिंचवाड़ महानगर निगम में इसकी शिकायत की थी कि यहां चलने वाला मदरसा गैर कानूनी है। इसके निर्माण के लिए नगर निगम से किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके साथ साथ शहर में इस तरह के कई सारे मदरसे और मस्जिदों के निर्माण भी ऐसे ही हो चुके हैं। मस्जिद पर कार्रवाई होने वाली है, ये जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी को पता चलने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इस कार्रवाई से मस्जिद को बचाने के लिए वहां पर पहुंच गए, तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई को पूरा करने के लिए पिंपरी चिंचवाड़ महानगर निगम द्वारा बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात भी कर दिया गया था। कहीं मामला ना बिगड़े इसलिए मुस्लिम समुदाय के कुछ जिम्मेदार जो लोग थे उन लोगों को पुलिस ने डिटेन करते हुए अपने कार्यालय में बिठा लिया था, जिन्हें सुबह 5 बजे के वक्त छोड़ा गया। बताया जा रहा है कि बीती रात महानगर निगम के द्वारा की गई इस कार्रवाई में मदरसा पूरी तरह और मस्जिद के कुछ हिस्से जो अवैध निर्माण हुए थे उन्हें गिराया गया है। कालेवाड़ी इलाके में मस्जिद को लेकर MIM नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्विटर पेज पर इस घटना को लेकर नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा है कि पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में कालेवाड़ी थेर गांव में मस्जिद जो पिछले 25 सालों से अस्तित्व में है और मस्जिद के बगल में ही लगभग 1000 घर हैं, इनके पास भी कोई अनुमति नहीं है, लेकिन केवल मस्जिद दारुल उलूम जामिया इनामिया को ही ध्वस्त किया जा रहा है। ट्वीट में CM एकनाथ शिंदे को भी टैग करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल खड़ा किया है कि ये भेदभाव सिर्फ एक मस्जिद के लिए ही क्यों है, उन घरों का क्या जिनके पास कोई अनुमति नहीं है। दक्षिणपंथी हिंदुत्वादी संगठनों ने सिर्फ मस्जिद गिराए जाने के लिए ही शिकायत दी थी। हालांकि महानगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए बताया जा रहा है कि जो अवैध हिस्सा था उसे तोड़ दिया गया है। इधर 4:30 बजे मुंबई था, मुंबई से पुणे आने की हर गाड़ी 3 घंटे लगे। दूसरा बात देख, खिड़की देख, मोनो की देख, एक बच्ची गया, पूरे आईना एक बच्ची गया।